तो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वे चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनोवो K10 नोट की। जी हाँ, लिनोवो जो है अपने दो दो स्मार्टफोन लेके कमबैक कर रहा है इंडिया में, और ये जो डिवाइस है ये 5 सितंबर को इंडिया में जो है लॉन्च होने वाला है। और ये जो डिवाइसेस होंगे ये ओनली फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होंगे, तो आपको ये फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों ही डिवाइसेस के जो है आपको लैंडिंग पेज देखने को मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। और दोनों ही जो डिवाइसेस हैं आपके बजट कैटेगरी के डिवाइसेस होंगे, जिनका नाम है लिनोवो A6 नोट और दूसरा है लिनोवो K10 नोट। लिनोवो की K सीरीज़ जो है पहले भी आ चुकी है, जिसमें आपको K3 नोट और भी काफ़ी डिवाइसेस देखने को मिले थे। अब जो है K10 नोट के साथ जो है लिनोवो वापस आ रहा है, और एक A6 नोट के साथ। A सीरीज़ जो है ये न्यू सीरीज़ है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे K10 नोट की। जो K10 नोट है ये जो डिवाइस है आपका करीब करीब 15,000 के बजट में लॉन्च हो सकता है। साथ ही ये जो डिवाइस है आपका स्नैपड्रैगन 710 के साथ आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस के स्क्रीन की। तो आपको इसमें 6.3 इंचेस का एक वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो डिवाइस है आपका फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आएगा, और ये जो डिवाइस है आपका ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आएगा। अब अगर इस डिवाइस के आप स्क्रीन पे देखेंगे फ़ोटोज़, तो आप देख सकेंगे कि आपको नीचे चेन काफ़ी कम देखने को मिलेगी और काफ़ी बेजललेस डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की। तो इसमें जो है आपको स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर होगा। इसमें जो है आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा गेमिंग के मामले में। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरास की। तो आपको इस फ़ोन में आप देख ही सकते हो, आपको ट्रिपल रियर कैमरास देखने को मिल रहे हैं। साथ ही ये जो कैमरास है आपको 16 मेगापिक्सल का, जो कि आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही आपको 5 मेगापिक्सल का एक और कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपका डेप्थ सेंसर होगा। साथ ही एक और कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपका 8 MP का सेंसर होगा, जिसमें आपको वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट डिवाइस है लिनोवो की तरफ से जिसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल रहा है। साथ ही इस डिवाइस में आपको 16 MP का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपको पोर्ट्रेट मोड और काफ़ी अच्छी सेल्फी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको AI के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो डिवाइस है आपका एक गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ आएगा, साथ में आपको इसमें गेम मोड, इंटर फ्रेम और फोन एंटीना जैसे स्टेबल वाईफाई कनेक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे। काफ़ी एडवांस ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिलेगी रिफाइंड गेमिंग के लिए, और साथ ही आपको 4050 mAh की एक बैटरी देखने को मिलेगी, जिसकी बैटरी लाइफ आपको 324 आवर्स की आपको स्टैंड बाई देखने को मिलेगी इस डिवाइस में। मतलब कि जो है आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा, जो कि आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। मतलब कि ये जो डिवाइस है आपको फुल टू परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस डिवाइस में। साथ ही आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा इस डिवाइस में। ये जो डिवाइस है आपका कैमरा और परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही इसमें दो कलर वेरियंट आपको देखने को मिलेंगे, एक जो है आपको ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, साथ ही एक और कलर देखने को मिलेगा जो कि न्यू है, जो कि है ग्रीन कलर। तो दो कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे इस डिवाइस में। अब बात कर लेते हैं इसके सेंसर्स की। तो आपको सेंसर में सारे सेंसर देखने को मिलेंगे, प्रॉक्सिमिटी, जायरो, सारे सेंसर मिल जाएंगे। साथ ही इसमें जो है आपको डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, लिनोवो जो है आपका डॉल्बी एटमोस के साथ आता ही है, सारे डिवाइसेस आपको डॉल्बी एटमोस में देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी आपको डॉल्बी एटमोस मिलेगा, जिससे कि आपको सिनेमा मोड, AI मोड और म्यूज़िक मोड काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा इसमें, जिससे कि आपके ईयरफोन में आप जो है सॉन्ग प्ले करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और ये जो है डिवाइस आपको ऑलराउंडर लग ही रहा है। प्राइसिंग जो है इसकी क्या होगी वो तो अभी नहीं पता, शुड बी अराउंड आपका 15,000 से 20,000 के अंदर ही आपकी प्राइसिंग जाएगी इस डिवाइस की, क्योंकि आपको स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिलता है इस डिवाइस में। तो आपका रियलमी X से इसका कंपैरिजन आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी चैनल पे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।